राज्य में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभागीय कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की अनुमति मिलते ही चारधाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के सभागार में एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही श्रीनगर एवं दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए गए। वहीं इस बैठक के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यात्रा काल के दौरान तीर्थ यात्रियों एवं स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। आगामी 10 मई से प्रदेश में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से संजीदा है। राज्य सरकार यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में जुटी हुई है और इसके लिए ठोस रोड मैप तैयार किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि मैं, चूंकि चार धाम यात्रा बहुत शुरू होने वाली जल्दी, तो चुनाव आयोग ने आज मुझे बैठक लेने की अनुमति दी है और आज सभी CMO हमारे मेडिकल कॉलेज के सभी जितने भी डॉक्टर हैं, प्राचार्य हैं, उनके सबके आज समीक्षा बैठक ली मैंने। DG हेल्थ से सभी लोग आए थे और अच्छी बात यह है कि तैयारियां बहुत जोर शोरों से चल रही हैं। हम लोग यात्रा रोड पे अभी 77108 जो हमारी एम्बुलेंस हैं उनको लगा रहे हैं, 80 हम एम्बुलेंस लगा रहे हैं पूरे यात्रा रूट पे ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। रिस्पांस टाइम हमने इस बार रखा है 15 मिनट का कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होती है तो हमारी एम्बुलेंस हो चाहे 108 हो, 15 मिनट पे वहाँ पे पहुँच जाएगी। 26 MRP बना रहे हैं हम लोग पूरे यात्रा रूट पे और 45 जगह स्क्रीन के लिए वो बना रहे हैं कि ताकि प्रत्येक यात्री की स्क्रीनिंग वहाँ पे की जाए। और अभी चुनाव आयोग को हमने 267 डॉक्टरों की लिस्ट दे दी है और चुनाव आयोग से हमने ये भी निवेदन किया है कि जल्दी अगर हमको अनुमति दे दे तो जितने हमारे MBBS डॉक्टर पास आउट हो गए हैं उन 267 लोगों की हम नियुक्ति करना चाहते हैं पूरे चारधाम यात्रा पे ताकि डॉक्टरों की भी कमी न रहे। और बहुत अच्छी आज बैठक हुई है। मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश और विदेश से जितने भी तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पे आना चाहते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से आएँ। यहाँ पे हर प्रकार की उनको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बड़ी बात यह है कि केदारनाथ में भी 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है और हमारे बद्रीनाथ में भी 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। अगस्त माह तक ये हॉस्पिटल बनके तैयार हो जाएंगे। आप किसी भी यात्री को कोई दिक्कत वहाँ पे